अगला बताइए Na2CO3 का, Na2CO3। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें संरचना सूत्र बनाते समय C जो है बीच में रहेगा और उसके अगल बगल कितना ऑक्सीजन रहेगा तो 3। अब यहाँ पे अगर हम इसको मान लीजिए तोड़ेंगे Na प्लस आयन पे और CO3 दो माइनस आयन, इसमें टूटेगा ठीक। तो Na का जो है Na यहाँ पे कितना है, 2 है ना ठीक। यहाँ पे Na बराबर कितना दिखा रहा है, 2। Na कई बार है तो 2 बार है। अब देखिए पहले जो CO3 का बना लेंगे, उसके अगल बगल जो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको ब्रैकेट के बाहर डालते हैं, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर ठीक। तो यहाँ पे पहले CO3 का बनाते हैं, एक कार्बन, उसके अगल बगल कितना ऑक्सीजन तो 3 ऑक्सीजन। कार्बन का कितना बनेगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, इसको बनाएंगे 2 और 4, बाहर में कितना गया तो 4 ठीक। अच्छा 4 हो गया, इसका 4 बना देते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, हो जाएगा 2 कामा 6। यहाँ पे हमको मतलब किससे है तो 6 से, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 1 6, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है पहले जो है बीच वाले को पूरा करना है, बीच वाले को पूरा करना है, तो यहाँ पे इसके पास है कितना 4, एक इधर से साझेदारी किया कितना हो गया, एक इधर से किया कितना हो गया, 2 ऊपर से कर लिया कितना हो गया, इसका कितना हो गया 8 हो गया ठीक। अब 6 इसके पास था, अच्छा ऊपर वाला ऑक्सीजन जो है ये इसके पास कितना था पहले से 6, 2 साझेदारी कर लिया कितना हो गया 8, मतलब ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन संतुष्ट हो गया। बचा साइड वाला दोनों ऑक्सीजन, इसके पास 6 था, 1 साझेदारी किया कितना हो गया 7, 1 इधर किया कितना हो गया 7, बचा कितना, मतलब इधर 1 कम है अभी ना, 1 इधर कम है, तो यही दोनों जो कम है इसको हम ब्रेकेट लगा के अगर मान लीजिए बाहर लिख दे तो इस पे कितना माइनस आ जाएगा, 2 माइनस, Na कई बार है तो 2 बार, 1 Na आप इधर लिख दीजिए और 1 Na इधर, 1 Na पे 1 प्लस, तो 2 Na पे 2 प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस और 2 प्लस और 2 माइनस मिलके क्या हो जाएगा कैंसिल। इस आधार पे जो है सोडियम कार्बोनेट की संरचना बनके तैयार ठीक, बना लीजिए। और ये अगला जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाइए CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। तो यहां पे की ध्यान देगा CA अलग बनेगा और OCl2 अलग ठीक। यही जो है CA ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसका संरचना सूत्र जब बनाएंगे तो OCl2 ये जो है आधात्विक वाले हैं और ये क्या है धात्विक वाले ठीक। अब देखिए यहाँ पे CA लिखेंगे तो CA पे जो है क्या पाया जाता है, 2 + 20 होता है ना, CA पे 2 + तो 2 8 10 8 18 2 20, लास्ट में कितना आया 2। तो CA पे कई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ठीक, हो गया। अब यहाँ पे जो है CA पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इससे क्या जोड़ना है, 1 ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहाँ दिखा देते हैं और 1 क्लोरीन यहाँ दिखा देते हैं और 1 ऑक्सीजन दिखा देते हैं। अब क्लोरीन का कितना होता है तो 17, तो 2 8 10 7 17, लास्ट में कितना आया तो 7, तो क्लोरीन वाले दिखा देंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7
एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात। ऑक्सीजन वाले कितना होता है तो छह। बाहर वाले कितना जाएगा? ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक आठ होता है, दो और छह। यहाँ हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच और एक छह। अब देखिए ये तो पक्का त्याग देगा। एक तो ये क्या किया, ये वाले क्लोरीन को दे दिया। एक तो ये क्या किया, ये वाले ऑक्सीजन को दे दिया। ये वाला क्लोरीन कितना हो गया, आठ। ठीक। अब ये वाले ऑक्सीजन पास कितना था, छह। एक तो इधर से मिल गया, कितना हो गया, सात। एक तो इधर से साझेदारी कर लिया, मतलब एक तरफ से जो सहसंयोजी बंध बनाएगा, एक तरफ से उपसहसंयोजी, ठीक है ना। एक तरफ से मांग लेगा हमेशा के लिए और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आठ हुआ नहीं हुआ, इसका आठ हुआ नहीं हुआ, और इसका जो है दो त्याग दिया। ये क्या किया, त्याग दिया। तो इसका जो है तब ये मान लीजिए दो त्याग दिया है, तो ये दो आठ आठ, लास्ट में आठ आया नहीं आया, तो ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया। बना लीजिए इसको। अब एक चीज ध्यान देगा, इसमें जो है आपको कई विधियां पढ़ना है कि मतलब समीकरण को आंशिक विधि से जो है या अनुमान विधि से ठीक कैसे जो है संतुलित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण के पहले जो रासायनिक समीकरण का जो संतुलन होता है उसके पहले रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें जो है कुछ पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो पदार्थ जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और उनके मिलने से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो पदार्थ भाग लेते हैं तथा जो उत्पाद प्राप्त होता है उनको हम संकेत के रूप में व्यक्त कर दें। अब संकेत जो है उस पदार्थ का जो तत्व होगा ठीक उसके अनुसार, ऐसा नहीं कि कुछ भी संकेत यूज कर दिए। ठीक। तो जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मिलके क्या बनाएगा, जल। तो जो चीज गैस अवस्था में होती है उसके लिए टू अप्लाई होता है। ठीक। एच टू प्लस ओ टू, ये क्या हो जाएगा, एच टू ओ। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एच टू और ओ टू ये संकेत है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, नहीं है, है। ये सब क्या है, इसके संकेत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, पानी। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के H और O क्या है, संकेत है। ठीक। अब यहाँ पे ये जल का हो जाएगा संकेत, H2O क्या है, जल का संकेत है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, बैलेंसिंग भी करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बता रहा है, दो। ऑक्सीजन दो। यहाँ पे हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पे आपको दो से गुणा मानना पड़ेगा। अब ये बता रहा है कि हाइड्रोजन फिर डिसबैलेंस, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, दो दुना चार। तो यहाँ पर भी आपको दो से गुणा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन चार हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन चार हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया। इस आधार पे जो है हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ऐसे ही जो है समीकरण को संतुलित करना है। ठीक। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक, ये हाइड्रोजन क्या है, पदार्थ है, नहीं है, है। ऑक्सीजन क्या है, पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं अपने संवेदी अंगों के द्वारा और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या वजन होता है तथा वह कुछ ना कुछ स्थान भी घेरता हो या उसका आयतन होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ। तो मान लीजिए हाइड्रोजन तो और ऑक्सीजन दोनों गैस है, तो गैस जो होता है एक तरीके से अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो गैस एक नहीं है, है।
तो आप देखेंगे सोनार महाराज जो होते हैं, जब ये सोना वजन करते हैं तो पंखा बंद कर देते हैं। इसका मतलब हवा का भी वजन या द्रव्यमान है कि नहीं है। पता लगा पंखा चलाने चक्कर, मजा लेने चक्कर में 2000 का नुकसान हो गया, इसलिए वो क्या करते हैं पंखा बंद कर देते हैं। अरे कितना बढ़ जाएगा वो कंफर्म नहीं है, स्पीड के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना तेज हवा दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होने का शर्त पूरा करेगा उसी को हम पदार्थ बोलेंगे, सबको नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा जो है रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने का तरीका हो गया। अब देखिए ये अनुमान विधि है, कौन सी विधि? अनुमान विधि। ठीक, अनुमान विधि के द्वारा जो है समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। ठीक, अच्छा दूसरा बनाइए आप लोग, लिखिएगा KCL प्लस Al2O3, बनाइए इसको, बनाइए। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, KCL बना कैसे, तो K के ऊपर एक प्लस और Cl के ऊपर एक माइनस, इसके नीचे एक, इसके नीचे भी एक, तिरछा गुणा कर दीजिए तो कोई अंतर आएगा, KCL हो गया। Al2O3 कैसे बना, तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, इसके नीचे 3, इसके नीचे 2, Al का 2 से गुणा करेंगे और O का 3 से, Al का 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा Al2, O का भी 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा O3। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक तरीके से द्विविस्थापन क्रिया है या उभय विस्थापन, तो यहाँ पे K चला जाएगा O के साथ और Al चला जाएगा Cl के साथ। तो मान लीजिए K हो गया और O हो गया, ठीक, अभी बैलेंस नहीं किए हैं, और फिर चला जाएगा Al और Cl एक साथ हो जाएगा, यही ना। अब देखिए ये तो इतना समझ में आ गया, इधर वाला मामला सेट है। देखिए अब फिर जो है K और O का करवाते हैं, तो K के ऊपर क्या पाया जाता है, एक प्लस, O के ऊपर 2 माइनस, इसके नीचे कितना लिखेंगे एक, इसके नीचे 2, इधर गुणा कर दीजिए उधर कर दीजिए, K का गुणा 2 से हो जाएगा क्या हो जाएगा K2O, है ना, K2O, ये क्लियर हो गया। इसके बाद Al और Cl में देखते हैं, Al के ऊपर क्या पाया जाता है 3 प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस, यहाँ पे 3 लिखिएगा और यहाँ पे 1, तिरछा गुणा कर दीजिए AlCl 3, ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। अब देखिए अभी जो है पोटेशियम यहाँ पे कितना बता रहा है 2, और यहाँ पे पोटेशियम कितना है एक है, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे गुणा, अब ये पोटेशियम 2 हो गया। ठीक, अगर ऑक्सीजन की बात किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है एक, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है तीन, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 से गुणा। ठीक, अब ये क्या बता रहा है, पोटेशियम कितना हो गया 3 × 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया 3, तब यहाँ पे हम 2 से नहीं गुणा करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अनुमान विधि में क्या किया जाता है, मतलब आप गेस करके जो है गुणा करेंगे, इतने से गुणा करना है या इतने से गुणा करना, तो 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 × 6 पोटेशियम हो गया, तो यहाँ हम 6 से गुणा कर देंगे, तो अब पोटेशियम हमारा क्या हो गया 3 × 6 और पोटेशियम यहाँ पे कितना हो गया 6। अब एल्यूमिनियम कितना बता रहा है 2, अच्छा क्लोरीन कितना बता रहा है 6। ठीक, अब यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम हमारा 2 है और क्लोरीन 6 है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा और क्लोरीन 2 × 6। ठीक, एल्यूमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन हमारा कितना हो गया 6, ऑक्सीजन कितना है तो 3, तो 3 × ऑक्सीजन = 3 ऑक्सीजन, कुछ बचा इसमें, कुछ नहीं बचा ना, ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण, बना लीजिए। बनाए रहे तो खाली